आज गिरिराज और दुर्गा के घर में बहुत चहल पहल है। घर को अच्छी तरह से सजाया गया है। किचन में से अच्छे अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बेटी आभा और दामाद जी अहान शादी के बाद पहली बार घर पर आ रहे हैं। हिमांशी, बहु जल्दी से सारा काम कर लो, आभा और दामाद जी आने ही वाले हैं। कुशल बेटा, तुम सारा सामान तो ले आए हो ना, और काजू कतली लाए हो या भूल गए? दामाद जी को बहुत पसंद है। हिमांशी और कुशल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने माता पिता की सारी बातें मानते हैं। लेकिन जब से कुशल की बहन आभा की शादी हुई है, मानो उसके माता पिता के लिए उनका दामाद ही सब कुछ है। आभा और अहान घर पर आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। आभा और हिमांशी किचन में खड़ी होकर बातें करती हैं। आभा, कैसे है तुम्हारे ससुराल वाले? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना वहां? और अहान जी तुम्हारा ख्याल रखते हैं या नहीं? पता नहीं भाभी, कभी तो लगता है कि ठीक है, कभी तो लगता है कहाँ फंस गई। जैसे भैया आपकी मदद करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, अहान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अरे इतना मत सोचो तुम, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। चलो बाहर चलते हैं। हिमांशी और आभा चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। सब लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन अहान बहुत घमंडी तरीके से बोलता है। आपका घर तो बहुत बड़ा है ससुर जी, आपका और कुशल का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों ने दहेज देने में इतनी कंजूसी क्यों की? अरे दामाद जी, कैसी बात कर रहे हो? आपके परिवार ने जिस जिस चीज की मांग की थी, वो सब हमने आपको दिया है। अगर किसी चीज की फिर भी कमी रह गई है तो बता दीजिए। कुछ चीजें बिना मांगे भी तो दी जा सकती है ससुर जी। अहान, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो बता दो, हम तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अहान प्लेट से बिस्किट उठाकर बोलता है। मांगने से दिया तो क्या दिया, वैसे भी आप लोग मेरी डिमांड कभी पूरी नहीं कर पाओगे। आभा और अहान अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद कुशल कहता है, मम्मी, हमने आभा की शादी गलत घर में तो नहीं कर दी? अहान और उसके घर वाले तो लालची लग रहे हैं। अरे चुप कर तू, दामाद ऐसे ही होते हैं, तेरी तरह नहीं कि तूने अपने ससुराल वालों से कुछ नहीं लिया और हर समय अपनी पत्नी से चिपका रहता है। ऑफिस से थका हारा आता है और अपनी पत्नी के साथ घर के कामों में मदद करता है। मम्मी, दहेज लेना तो गलत बात है ना, और हमारे पास किस चीज की कमी है? मैं अगर हिमांशी का घर के काम में हाथ बटाता हूँ तो वो भी मेरा ऑफिस का बहुत सारा काम करती है, इसमें बुरा क्या है? पति पत्नी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बेटा, किसी चीज की कमी तो अहान के घर पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उसे दहेज दिया ना? ना केवल दहेज दिया, बल्कि उनकी जो भी डिमांड थी वो सारी पूरी की। और उसने क्या किया? आपके और मम्मी के सामने ताने सुनाकर चला गया। आप दोनों को इससे दुख होगा, आहान ने इसका बिल्कुल ख्याल नहीं किया। बेचारी आभा का तो चेहरा देखने लायक था, कितनी शर्मिंदा हो रही थी वो अपने पति की बातों से। इस तरह कुशल ने अपने माता पिता को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसके माता पिता अहान को ही सपोर्ट करते रहे। और करते भी क्यों ना, हमारे समाज ने दामाद का रुतबा बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है, चाहे फिर उनकी सोच कितनी भी नीची क्यों ना हो। इसी तरह से कई दिन बीत गए और एक दिन आभा अपने घर पर रोती हुई आई। अरे आभा, तुम रो क्यों रही हो, और ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? आभा लगातार रोए जा रही थी। अरे बता मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुझे? मत रो इस तरह, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, क्या हुआ है बेटा? हिमांशी और दुर्गा के बार बार पूछने पर आभा ने बताया। मम्मी, मुझे आहान ने बहुत मारा है। क्या? दामाद जी ने तुझ पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? वो रोज शराब पी कर आते और मुझे मारते, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्या, आहान जी शराब पीते? ये बात तो उनके घर वालों ने बताई नहीं थी। अरे कौन अपने बच्चों की कमियां बताता है, आने दे तेरे पापा को, वही बात करेंगे अहान और उसके घर वालों से। शाम को जब गिरिराज और कुशल घर पर आए तो उन्हें आभा का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो करते भी क्या, आखिर अहान घर का दामाद है।
पर आभा के चेहरे पर चोट के निशान देखकर कुशल से चुप नहीं रहा गया। कुशल ने फोन करके अहान से बात की। अहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर हाथ उठाने की? तुम्हारी बहन घर में किसी की बात नहीं सुनती, जो उसके मन में आता है वही करती है। अब तुम ही बताओ मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ? अगर वो किसी की बात नहीं सुनेगी तो तुम उस पर हाथ उठाओगे? मैं तुम्हारी तरह नहीं कि अपनी पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहूं। अगर तुम्हारी बहन जरा भी टेढ़ी चली ना तो मैं उसे इसी तरह से मारूंगा। ये बोलकर अहान ने फोन काट दिया। ये सुनकर कुशल को बहुत गुस्सा आया। कुशल ने कहा, अब आभा अपने ससुराल नहीं जाएगी। आपने उसकी शादी गलत इंसान से कर दी। वो आदमी आभा के लायक ही नहीं है। अरे पागल हो गया है क्या? अपनी शादीशुदा बहन को घर पर बिठाएगा, लोग क्या कहेंगे? मम्मी, आपको अपनी बेटी की चिंता है या लोगों की? अहान हमारा दामाद है और घर में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अहान के माता पिता से बात करेंगे। आभा को अहान बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसके माता पिता समाज के डर से उसे बार बार अहान के घर पर भेज देते थे। इस बार भी आभा को अपने ससुराल जाना पड़ा। एक दिन हिमांशी की तबीयत खराब हो गई तो उसने घर का काम नहीं किया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सुबह से लेटी है। तुझे इस घर में जितना आराम मिला है ना, दुनिया में किसी बहू को कहीं इतना आराम नहीं मिला होगा। तेरा तो पति भी तेरे साथ काम कराता है। देख मेरी आभा को, बेचारी कितना पिटती है अपने पति से और सारे घर का काम खुद ही करती है। शाम को जब कुशल घर आता है तो हिमांशी उसे सारी बात बताती है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत माना करो। मम्मी चाहती है कि मैं उनके निकम्मे दामाद की तरह बन जाऊं, जो अपनी पत्नी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं बन सकता। कुशल ने हिमांशी का बहुत ख्याल रखा और वो जल्दी ही ठीक हो गई। वहीं अहान आभा के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। आभा के माता पिता ना तो आभा की बात सुनते और ना ही कुशल की। एक दिन अहान किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वो जिस होटल में रुका था वहां उसे अहान दिखा। अरे ये तो अहान लग रहा है, मगर इसके साथ ये लड़की कौन है? कुशल ने वहां कुछ लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया, ये तो अक्सर इस होटल में अलग अलग लड़कियों के साथ आते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुशल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और घर आकर सभी को ये बात बताता है। लेकिन उसके माता पिता को तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे बेटा, इस बात को यहीं खत्म कर दो। हम अहान से क्या कह सकते हैं, आखिर वो हमारे घर का दामाद है। बेटा देख, ये बात ना आभा को मत बताना, नहीं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। आप दोनों किस मिट्टी के बने हैं? दामाद दामाद कहकर आपने उसे सर पर चढ़ा दिया। मैं आपकी बहू के साथ अच्छा बर्ताव करता हूं तो आप मुझे झोरू का गुलाम कहते हैं, और अहान आपकी बेटी को जानवर की तरह पीटता है, आप तब भी उसे बात करने की हिम्मत नहीं करते? आप लोग बेटे और दामाद में इतना फर्क क्यों करते हो? बेटा, दामाद को तो सर का ताज समझा जाता है, हमेशा से ऐसा ही चलता आया है। अरे हमारे समाज ने ऐसे ही नियम बनाए हैं। चाहे वो आपकी बेटी के साथ कैसा भी बर्ताव करे, उसे जानवरों की तरह मारे पीटे। मम्मी ये पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल कोई पढ़ी लिखी लड़की इतना नहीं पीट रही जितनी हमारी आभा पीट रही है, वो भी सिर्फ आप दोनों की वजह से। मैं आज ही उसके ससुराल जाकर उसे सारी बात बता दूंगा और आखिरी फैसला उसका होगा। कुशल और हिमांशी आभा के पास जाकर उसे अहान की सारी सच्चाई बता देते हैं। आभा अपने भाई के साथ आ जाती है। घर आकर वो अपने पति को तलाक के पेपर भेजती है। हालांकि गिरिराज और दुर्गा अभी भी अपने दामाद के साथ है और तलाक के खिलाफ। उनको अभी भी समाज की चिंता है।